नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टचबुक के प्लेटफॉर्म पर। चीन किस लेवल का नशा करता है ये तो खैर उन्हें खुद नहीं पता होगा दोस्तों। मैं इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि भारत अगर अपने अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश में किसी भी तरीके कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य करे या किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करे तो चीन के पेट में दर्द हो जाता है। अरे भारत अपने हिस्से में काम कर रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेला टनल का उद्घाटन किया था, जिसको ऑल वेदर टनल कहते हैं, जिसकी वजह से भारतीय सैनिक बड़ी जल्दी ही अरुणाचल प्रदेश या कहूं मैं एलएसी के नजदीक पहुंच सकते हैं। जैसे ही इस टनल का उद्घाटन किया तो चीन के पेट में दर्द हुआ और उल जरूर स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एलएसी के नजदीक भारत नेशनल हाईवे का निर्माण कर रहा है। जब चीन को इसके बारे में पता लगा था तब भी चीन ने यह कहा था कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो चीन का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश को वो चीन का हिस्सा कहता है, मतलब मुंगेरी लाल के सपने देखता, अलग लेवल का नशा करता है। लेकिन दोस्तों आज बात कर रहा हूं मैं उड़न खटोले की, यानी रोप वे की। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश के अंदर रोप वे का निर्माण करा रही है। अब जैसे ही ये बात चाइना को पता लगी तो चाइना का मुखपत्र कहूं भोपू कहूं, मैं इसलिए भोपू कहता हूं कि मेरे बहुत सारे बच्चों को ये शब्द पसंद आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल टाइम्स की। तो ग्लोबल टाइम्स ने एक स्टेटमेंट दिया और ग्लोबल टाइम्स में जो लिखा होता है वो चीन की सरकार ही बोलती है, जिसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि भारत ऐसा नहीं कर सकता, अरुणाचल प्रदेश जो चीन का हिस्सा है। अरे भैया किस लेवल का नशा कर रहे हो, ठीक है क्या खा रहे हो, समझ से परे है हमारी, ये भारत का हिस्सा, भारत जो चाहे वो कर सकता है। तो आज इसी न्यूज पर हम बात करेंगे, इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको थोड़ा टेस्ट बुक के फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में बता देता हूं। देखिए ये एक्स आईआरएस रवि कपूर सर है, उनकी देखरेख में एक 365 दिन का प्रोग्राम है जिसमें रवि कपूर सर आपसे ईमेल के माध्यम से जुड़ेंगे। अब इसका फीस कितना है, इसका चार्ज कितना है, तो ये कंप्लीटली फ्री है, किसी भी तरीके से कोई भी किसी भी तरीके आपसे कोई हिडन चार्ज नहीं लिया जाएगा। दोस्तों इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बता देता हूं। इसमें आपको मैंने जैसे कहा कि ईमेल के माध्यम से रवि सर आपसे जुड़ेंगे, इसमें वो आपको बताएंगे कि आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूपीएससी के फ्री रिसोर्सेज आप कहां से देख सकते हैं, कहां से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से आप उन फ्री रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्री इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, वहां उसको फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। किसी तरीके कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, बस शर्त यह है कि आप यूपीएससी की तैयारी को करने के लिए एक सीरियस कैंडिडेट हो। तो चलिए अपनी न्यूज पर आते हैं। देखिए कई सारे न्यूज एजेंसीज ने इसको पब्लिश किया जिसमें बताया कि इंडिया इनिशिएट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू एनहांस टूरिज्म एंड कनेक्टिविटी नियर LAC इन अरुणाचल प्रदेश। जबकि इकोनॉमिक्स टाइम्स ने कहा है कि इंडिया बिगिन प्रोसेस टू बिल्ड ₹522 करोड़ रोपवे फ्रॉम तमांग मोनेस्ट्री टू अरुणाचल प्रदेश लेक नियर LAC। अब जैसी ये न्यूज दुनिया के सामने आई कि भारत ने रोपवे पर यानी उड़न खटोले पर काम शुरू कर दिया तो एकदम पेट में दर्द हो गया चीन के। चीन ने क्या स्टेटमेंट दिया उसको हम बाद में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस रोपवे का निर्माण हो कहां पे रहा है, ये है क्या। तो देखिए तवांग रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दूं, जो तवांग रोपवे प्रोजेक्ट के तहत 5.2 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण होगा जो तवांग मठ से PT-SO झील को जोड़ेगा। इसका निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया की कंपनी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कर रही है। यहां पर मोनो केबल गोंडोला तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। मोनो केबल का मतलब है एक तार पे ही ये पूरा का पूरा कैबिनेट झूलेगा, ठीक है दोस्तों, एक केबल के ऊपर। इस रोपवे पर से 90 मिनट की बजाय 16 मिनट में पर्यटक मोनेस्ट्री पहुंचेंगे। इस रोपवे की क्षमता 10,000 यात्रियों को रोजाना ढोने की है। इस प्रोजेक्ट के बिड यानी कि जो बोली है आमंत्रित किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2024 में इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। इसकी जो टोटल लागत है दोस्तों 522 करोड़ रुपए है। अब यानी कि रोपवे को सरकार ने ये डिसाइड कर लिया कि हम हर हालत में इसको पूरा करेंगे। भाई क्यों ना हो, ऐसा क्यों ना किया जाए, भारत को इससे फायदा, क्या क्या भारत को इससे फायदे होने वाले हैं, तो आइए इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। देखिए इस प्रोजेक्ट के फायदे क्या है, तो इस प्रोजेक्ट के बता दूं मैं फायदे। क्षेत्र में पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। भाई दुनिया की 400 साल पुरानी जो तवांग मठ है उसकी दुनिया तक पहुंच बढ़ जाएगी, टूरिस्ट विदेशों से भी आएंगे, तो भारत के जो वहां के लोग हैं या भारत की इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट तो मिलेगा ही डेफिनेटली। स्थानीय संस्कृति और विरासत का प्रचार होगा दोस्तों। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के निकटता में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा रोजगार भी पैदा होंगे वहां पर जब टूरिस्ट आएंगे। इंडियन आर्मी की पहुंच को LAC के नजदीक तीव्र करना यह भी एक सरकार का उद्देश्य है। इसके अलावा चीनी आर्मी की जो हर एक्टिविटी LAC के नजदीक होती है उस पर भी निगाह रखी जा सकती है, क्योंकि भारतीय फौज जल्दी ही जो काम जो लगभग 1 घंटे या 1.25 घंटे में हो रहा है वो या 1.5 घंटे में हो रहा है, वो काम आपका 5 से 10 मिनट में हो रहा है, तो जल्दी मतलब सेना
कि बहुत जल्दी हो जाएगी एलएसी के नजदीक, तो जो भी एक्टिविटी होगी उसको बड़ी आसानी से भापा जा सकता है। अब जैसे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की बात हुई कि 522 करोड़ के आसपास सरकार लगाने वाली है और इसकी बिड भी स्टार्ट कर दी, बोली शुरू कर दी है, तो बस फिर क्या था, ग्लोबल टाइम्स को तो कुछ ना कुछ बोलना था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए ग्लोबल टाइम्स इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। मैकमोहन लाइन क्या है? बेसिकली भारत और तिब्बत के बीच में बॉर्डर को डिसाइड करने के लिए एक मैकमोहन लाइन है, ठीक है दोस्तों। तिब्बत के अधिकारी और भारतीय अधिकारी आपस में बैठे, उन्होंने कहा ठीक है जी, हम इस लाइन के थ्रू एक दूसरे का बॉर्डर डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, कुछ साल के बाद इस तिब्बत को पर कब्जा कर लिया चीन ने, और चीन ने कहा हम इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानते, क्योंकि ये भारत और चीन के अधिकारियों के बीच में नहीं हुई, तिब्बत के अधिकारियों के बीच में हुई। तिब्बत तो चीन का हिस्सा है, वो ये नहीं कहता कि हमने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, वो कहता है कि चीन, तिब्बत जो है चीन का हिस्सा है, भारतीय अधिकारियों को चीनी अधिकारियों से बात करना चाहिए थी, इसलिए हम इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानते, मतलब इस एलएसी को नहीं मानते, और हम कहते हैं ये मैकमोहन लाइन थोड़ा नीचे होगी, अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, मतलब मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है। अब जैसे ये पता लगा कि रोपे का निर्माण हो रहा, तो ग्लोबल टाइम्स ने इनडायरेक्ट वे में क्या कहा, जरा समझिएगा इसको, अनऑफिशियली द मैकमोहन लाइन वॉज प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड, मतलब गैर कानूनी तरीके से ये मैकमोहन लाइन दुनिया के सामने रखी गई, मतलब स्केच की गई, खींची गई, विच इज ऑलवेज अगेंस्ट अस, जो हमारे विरोध में है, मतलब इस मैकमोहन लाइन को चीन नहीं मानता। वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी सच बॉर्डर, हम इस प्रकार का कोई भी सीमा को नहीं मानते। वॉट एवर कंस्ट्रक्शन इज बींग डन अराउंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अवर एरिया ऑन विच वी कैन टेक एनी एक्शन एट एनी टाइम, मतलब कह रहा है इस मैकमोहन लाइन के नजदीक अगर किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन लिया, कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य किया जाता है, तो ये हमारे विरुद्ध होगा और हम इस पर कभी भी एक्शन ले सकते हैं। मतलब सेला टनल हम बनाए तो चीन परेशान, तब कहता है कि हमारे क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है। इस एलएसी के नजदीक भारत अगर नेशनल हाईवे का निर्माण करे तो परेशान होता है चीन, और अगर इस रोपे यानी उड़न खटोले का निर्माण कर रहा है तब चीन बोलता है कि ये हमारा हिस्सा है, यानी अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, और हमारे हिस्से में किसी भी तरीके कोई भी निर्माण नहीं किया जाता। भाई मुंगेरी लाल के सपने देखने आसान है, अच्छी बात है, आप सपने देखते रहिए, ये हमारा हिस्सा है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा जो मन करेगा हमारे राज्यों में वो करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम भी कह देते हैं संघाई हमारा हिस्सा कहने में, क्या आप बताइएगा क्या कहने में कुछ बुरा है कि संघाई भी हमारा हिस्सा है। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक बार दोबारा से आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में बार और बता देता हूं। XIRS रवि कपूर सर है, वो ईमेल के माध्यम से 365 दिन तक आपसे जुड़ेंगे, जिसमें वो आपको बताएंगे कि एसए की को किस प्रकार से लिखा जाता है, यूपीएससी के फ्री रिसोर्सेज का आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए यूपीएससी की तैयारी के लिए। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर ले, किसी भी तरीके कोई भी आपसे हिडन चार्ज नहीं लिया जाएगा, और आप रवि कपूर सर से जुड़ सकते हैं थ्रू ईमेल, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।